नमस्कार, स्वागत है आपका धोबी घाट पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, फिर लाया हूं खबर के पीछे की खबर। खबर यह है, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल पे आरोप लगाए हैं कि अहमद पटेल के संबंध आतंकवादियों के साथ है। गुजरात एटीएस ने एक आतंकवादी कासिम टिम्बरवाला को अरेस्ट किया। कासिम टिम्बरवाला इसके पहले एक अस्पताल में काम करता था। कासिम गुजरात के भरूच जिले के अंकलेश्वर स्थित सरदार पटेल अस्पताल में नौकरी करता था। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि ये अस्पताल पूरी तरह से अहमद भाई पटेल चलाते हैं। अहमद पटेल जिस अस्पताल को चला रहे हैं उसमें एक आतंकवादी नौकरी करता है, इसलिए उनके आतंकवादी के साथ संबंध जोड़े जा रहे हैं। लेकिन वस्तु स्थिति यह है, अहमद पटेल या उनका परिवार कभी भी ऑन रिकॉर्ड उस अस्पताल के साथ जुड़ा नहीं था। अस्पताल के ट्रस्टियों का कहना है क्योंकि अहमद पटेल गुजरात के हैं, इसलिए उन्होंने अस्पताल के लिए फंड इकट्ठा करने का काम जरूर किया। लेकिन सारा गुजरात जानता है उस अस्पताल में रिकॉर्ड पे अहमद पटेल भले ही कहीं नहीं हो, लेकिन उस अस्पताल का काम अहमद पटेल का परिवार ही देखता है। चर्चा जोरों पे है कि कहीं ना कहीं एटीएस अहमद भाई पटेल के बेटे फैजल पटेल को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहता है। खबर के पीछे की खबर यह है, ना कोई ये आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन है, ना कोई आतंकवादी ऐसा मिला जिसका अहमद पटेल के साथ सीधा संबंध हो। लेकिन ये दो घरानों की सियासी लड़ाई है। एक तरफ अहमद पटेल है, दूसरी तरफ अमित शाह है। अमित शाह को ये बार बार लगता है कि जब यूपीए सत्ता में थी तो उन्हें अरेस्ट करने में अहमद पटेल का अहम रोल रहा। राज्यसभा चुनाव के दौरान अमित शाह ने ये भी कहा था, आपने मुझे अंदर किया, मैं आपको बाहर करूंगा, यानी राज्यसभा के बाहर करूंगा। लेकिन अहमद पटेल राज्यसभा में वापस लौटे। उसके बाद अमित शाह के बेटे के बारे में जो भी अखबारों में छपा उसमें भी उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं अहमद पटेल का रोल है, इसलिए वो भी उनके बेटे को घसीटना चाहते हैं। लेकिन यदि कोई आतंकवादी किसी अस्पताल में काम करता है तो उसका उस ट्रस्टी के साथ सीधा संबंध जोड़ना कहां तक जायज है? और यदि यह जायज है तो फिर जिस अस्पताल की बात हो रही है उस अस्पताल को जिन लोगों ने डोनेशन दिया, यदि उनकी लिस्ट देखी जाए तो अडानी अंबानी से लेके इस देश का ऐसा कोई कॉर्पोरेट हाउस नहीं है जिसका नाम वहां नहीं होगा। लेकिन अहमद पटेल को यदि आतंकवादियों का साथी घोषित करने में सरकार लगी रही तो आगे जाके सरकार के लिए ये स्थिति बहुत हास्यास्पद हो सकती है, क्योंकि वर्तमान में इस देश के जो सर्वोच्च नेता है उन्होंने भी रिकॉर्ड पे कई बार कहा कि वो अहमद पटेल के दोस्त है। तो क्या उन्हें भी इस लिस्ट में जोड़ा जाएगा? यह है खबर के पीछे की खबर। देखते रहिए धोबी घाट।